नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2 घंटी हेल्थ के नाम। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह कम से कम 2 घंटी स्वास्थ्य व कल्याण कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम हर कक्षा में अलग अलग होंगे। यह आयोजन 6ठी क्लास से चलने वाले सभी स्कूलों में होगा। हर मंगलवार को हेल्थ एंड वेलनेस डे का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व सक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी DEO और DSE को इसके लिए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक स्कूल के प्रभारी व प्रधानाध्यापक इसे सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों में प्रश्न सह शिकायत पेटी लगेगी। स्कूलों के आरोग्य दूत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को इसकी उपयोगिता व इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जानकारी देंगे। वहीं स्कूलों में हर मंगलवार को होने वाले हेल्थ एंड वेलनेस डे पर प्रार्थना सभा में उस दिन की थीम पर चर्चा होगी। इस विषय पर कक्षावार क्विज, स्लोगन, पेंटिंग, वाद विवाद व पोस्टर मेकिंग जैसे विषयों पर प्रतियोगिता होगी। झारखंड बंद का असर NH-33 किया जाम। झारखंड बंद सरायकेला खरसावा जिला के चांडीला में असरदार रहा। टाटा रांची मुख्य मार्ग संख्या NH-33 चांडीला गोल चक्कर में छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं बंद समर्थकों ने NH-33 पर टायर जलाकर विरोध किया। बंद समर्थक ने कहा है कि ओल चिकी भाषा को लेकर झारखंड सरकार से हमारी मांगे है कि झारखंड प्रदेश में संताली भाषा का ओल चिकी लिपि से पुस्तकों का मुद्रण और पठन पाठन शुरू हो, संताली शिक्षकों की बहाली हो, संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना होगा, अलग से संताली अकादमी का गठन कराना होगा, जैसे मांगे शामिल हैं। देवघर सड़क हादसा, पुलिस पर हमले में 150 से अधिक पर FIR। मोहनपुर थाना क्षेत्र में देवघर दुमका मुख्य पथ पर 12 कोला गांव के पास स्कॉर्पियो से कुचलकर बाइक सवार 2 लोगों की मौत के बाद बवाल व सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में मोहनपुर BDO डॉक्टर विवेक किशोर व थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप के आवेदन पर थाना क्षेत्र के मोरने गांव निवासी 2 दर्जन नामजात व 150 अज्ञात लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने व पुलिस के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने बताया है कि सड़क दुर्घटना के बाद करीब 150 से अधिक संख्या में उपद्रवियों आए और पुलिस के साथ मारपीट पथराव किए। साथ ही पुलिस कस्टडी से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ले जाकर तोड़फोड़ की गई है। पूर्वी सिंहभूम के उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिला के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिला के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। पहली मेरिट लिस्ट के बाद तीनों उत्कृष्ट विद्यालयों में कुल 120 सीटें खाली रह गई है। इन सीटों पर दाखिला के लिए सोमवार को नई मेरिट प्रकाशित की गई। वहीं दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को 7 दिनों के भीतर दाखिला लेने का निर्देश दिया गया। संबंधित सूची jamshedpur.nic.in पर देख सकते हैं। ज्ञात हो कि पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों की कक्षाएं गत 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इन दिन सभी छात्र छात्राओं का तिलक और फूल के साथ स्वागत हुआ था। समारोह में बच्चे के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। अभिभावकों और शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में ही उत्कृष्ट विद्यालय का पूरा कॉन्सेप्ट व स्वरूप सभी को विस्तार से समझा दिया गया था। चतरा में प्रेमी जोड़े को पेड़ में बांधकर ग्रामीणों ने पीटा, प्रेमिका की मौत। सदर थाना क्षेत्र की बरैनी पंचायत के मसूरियात्री गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई कर दी। इससे प्रेमिका की मौत हो गई। मारपीट में प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 30 जून की रात मसूरियात्री गांव के प्रेमी घोपिन गांजू अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और इसकी जानकारी गांव के अन्य लोगों को दी। इसके बाद पेड़ में बांधकर दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि प्रेमी घोपिन गांजू गंभीर रूप से घायल हो गया। बाबूलाल मरांडी बने झारखंड BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व CM बाबूलाल मरांडी झारखंड BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। दीपक प्रकाश की जगह उन्हें झारखंड की कमान सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड BJP के नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।
आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं और बीजेपी ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। किशन रेड्डी को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, वहीं डी पुरदेश सिरोई को आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, वहीं सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु जाने सुरक्षा व विधि व्यवस्था। विश्व प्रसिद्ध झारखंड का राजकीय श्रावणी मेला शुरू हो गया है। इसके साथ ही मेले के दौरान दो माह तक बाबा मंदिर में सारी व्यवस्थाएं बदली गई है। कांवरियों को सुलभ जलार्पण कराने के उद्देश्य से बाबा मंदिर में अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। वहीं मंदिर अब हर दिन मेले के दौरान सुबह 3:05 पर खुलेगा। पट खुलते ही 15 मिनट तक कांचा जल पूजा और उसके बाद करीब 40 मिनट तक सरकारी पूजा होगी। इसके बाद सुबह 3:45 से आम कंवारियों के लिए अर्घा के माध्यम से जलार्पण प्रारंभ हो जाएगा। वहीं सुबह 6 बजे शीघ्र दर्शनम का गेट खोला जाएगा। शीघ्र दर्शनम की दर 500 रुपये तय की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्थाएं हैं। बता दें इसमें से OP 1 दुम्मा, OP 2 सोमनाथ भवन, OP 3 सरासनी में बनाए गए हैं। सीएम हेमंत कल देंगे झारखंड को 206 नई एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी नई योजनाओं का शुभारंभ और कई मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही राज्य को 206 नई एम्बुलेंस की सौगात देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नामकुम स्थित परिसर से मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस नई एम्बुलेंस की खरीद करीब साल भर पहले ही हो चुकी थी। तब से अब तक ये स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में खड़ी थी। इन नई एम्बुलेंस का उपयोग जल्द शुरू कराने की मांग बजट सत्र के दौरान विधानसभा में उठाई गई थी। नई एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम तो है ही, पहली बार नियोनेटल एम्बुलेंस भी स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है। इंदिरा आवास की राशि गमन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इंदिरा आवास योजना में सरकारी राशि गमन करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। गिरिडीह के धनवार प्रखंड के तत्कालीन BDO मोहन लाल मरांडी समेत अन्य के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश दिया है। इनके खिलाफ अनियमितता एवं सरकारी राशि गमन करने के आरोप हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 जुलाई 2012 के अभियुक्त मोहनलाल मरांडी के खिलाफ भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत अभियोजन स्वीकृतादेश दे दिया है। बेबी देवी को मिला उत्पाद विभाग, सीएम के पास शिक्षा मंत्रालय। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी झारखंड सरकार में मंत्री बन गई है। सोमवार को उन्होंने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेबी देवी को बधाई दी। देर शाम उन्हें उत्पाद विभाग का जिम्मा सौंपा गया, वहीं शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। बता दें बेबी देवी सरकार में दूसरी महिला मंत्री हैं, जिनसे पहले जोभा मांझी महिला मंत्री के रूप में शामिल हैं। गौरतलब है कि मौजूदा हेमंत कैबिनेट में यह दूसरी बार है जबकि कोई बिना विधायक बने मंत्री बना हो। इससे पहले हफीजुल हसन अंसारी ने विधायक बनने से पहले मंत्री पद की शपथ ली थी, बाद में मधुपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं। डुमरी उपचुनाव में कौन होगा NDA का उम्मीदवार, मंथन जारी। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन को 3 महीने बीत चुके। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट पर 6 महीने में चुनाव होना है और इसमें 3 महीने की मियाद भी पूरी हो चुकी है। बता दें 3 जुलाई को जैसे ही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ली तो स्पष्ट हो गया कि उपचुनाव में वही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा होगी। बड़ा सवाल यह है कि डुमरी में NDA की तरफ से कौन उतरेगा। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक आयसू पार्टी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर तैयारी शुरू कर दी है, वहीं BJP में भी मंथन जारी है। झारखंड के 9 जिलों में 10 से 25 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। राज्य से फाइलेरिया के शीघ्र उन्मूलन के लिए 9 जिलों में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा।
झारखंड के इन जिलों में एमडीए कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें हजारीबाग, चतरा, पलामू, गोड्डा, दुमका, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। रांची के स्वास्थ्य मुख्यालय में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एमडीए पर प्रशिक्षण दिया है। पदाधिकारी ने कहा है कि झारखंड सरकार लिफिटिक फाइलेरिया हाथी पाँव के उन्मूलन के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। धन्यवाद।